नमस्कार दोस्तों, जितने लोग भी यूपी टीजीटी की वैकेंसी का बेसब्री से वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली वैकेंसी जारी कर दी गई है। कुल 3539 पोस्ट इस बार जारी किए गए हैं। यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। तो फाइनली चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अगर टीजीटी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेंथ के बच्चों को आप पढ़ा पाओगे। इसे आप 9 जून 2022 से अप्लाई कर सकते हो। 3 जुलाई 2022 लास्ट डेट है। साथ ही साथ आप एग्जाम फीस 6 जुलाई तक पे कर सकते हो और फाइनल सबमिशन 9 जुलाई तक कर सकते हो। एग्जाम कब होगा इसकी डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है। ₹750 एप्लीकेशन फीस पे करके जनरल और ओबीसी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ₹650 एप्लीकेशन फीस पे करके ईडब्ल्यूएससी से अप्लाई कर सकते हैं। एससी के लिए 450 और एसटी के लिए 250 है। यह फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ई चलान के माध्यम से। अब जानते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपकी एज मिनिमम 21 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के योग्य हैं। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 60 वर्ष तक इसे अप्लाई कर पाएंगे, जबकि आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई 2022 के अनुसार। जान लेते हैं पोस्ट के बारे में। कुल 3539 पोस्ट है जिसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बालक के लिए 3213 पोस्ट है और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बालिका के लिए 326 पोस्ट है। यहाँ पर आप पोस्ट के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। स्लाइड आपको दिख रही होगी किन सब्जेक्ट के लिए कितना पोस्ट किस कैटेगरी में आया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके बाद हम आपको अगली स्लाइड भी दिखा देते हैं। आप अगली स्लाइड देख सकते हैं जो कि बालिका वर्ग के लिए है। तो पहले मैंने बालक के लिए दिखाया था, अब मैं बालिका के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और किस सब्जेक्ट के लिए किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। तो अगर आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अपीयरिंग कैंडिडेट इसे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी टीचर बनना चाहते हो तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही आपके इंटरमीडिएट में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और साथ में बीएड भी होना ज़रूरी है। वहीं अगर आपके पास ये नहीं है, आपके ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हिंदी टीचर की। तो फाइनली अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ ही आप बीएड एग्जाम पास होने चाहिए, तब आप साइंस के टीचर बन सकते हो। सोशल साइंस का टीचर बनने के लिए आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कम दो सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड एग्जाम पास होने चाहिए, तब आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तब आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले, सिर्फ और सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा जिसमें 125 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 500 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। 120 मिनट आपके पास टाइम होगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और एग्जाम ऑफलाइन होगा। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पेइंग स्केल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर 4600 ग्रेड पे की जॉब है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 44900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी वेरी करेगी, जो कि पे लेवल 7 के अनुसार होगी। अगर इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। अब जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो गाइज, आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है, आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लेना है। इसके बाद इससे रिलेटेड आपके पास बुक्स और स्टडी मटेरियल होनी चाहिए। आपको सेक्शन वाइज बुक्स और स्टडी मटेरियल को कवर करना है, साथ ही साथ आपको लगातार रिवीजन करते रहना है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम में आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप हमें सीधे DM करके भी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो आप यहाँ से सीधे सोशल साइंस पे इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये आर्टिकल किसी और लैंग्वेज में देखना है तो आप यहाँ से लैंग्वेज का चुनाव करके इसे उस लैंग्वेज में देख सकते हैं, हिंदी या फिर किसी और भी लैंग्वेज में। तो गाइज, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में www.alagclasses.com alagclasses.com। तो फाइनली हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। फिर मिलते हैं गाइज किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।